राधे राधे दोस्तों, श्री रुक्मणी श्री कृष्ण की अनंत संगनी और पूरे संसार की सर्व लक्ष्मी है। उन्हें श्री कृष्ण संग आपने अनेक लीलाओं में देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि कैसे वही श्री हम सबको और इस पृथ्वी को छोड़कर गई? ये है एक ऐसी कहानी जो आपको एक माँ के त्याग और एक प्रियतमा के दिल को चीर कर रख देने वाले असली दर्द को बताएगी, जिसे आज के समाज में सब नहीं जान पाते। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब यादव कुल में आपसी लड़ाई छिड़ जाती है तो हरि जंगल में चले जाते हैं, जहां जरा उनके पैर के अंगूठे में तीर मारता है, जिसकी वजह से प्रभु वापस वैकुंठ धाम लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये घटना होती है, क्योंकि माता रुक्मणी साक्षात सर्वेश्वरी हैं, उन्हें सारी बातें पता चल जाती हैं। यहाँ तक कि द्वारका के लोगों ने भी इसे महसूस किया। इस पूरे ब्रह्मांड को श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के बारे में जैसे एक ही बार में आभास हो गया हो। लेकिन सभी को आशा थी कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण की रुक्मणी उनके बीच में उनके साथ मौजूद थी। महाभारत में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जब जरा ने तीर चलाया तो संपूर्ण ब्रह्मांड को इसका आभास हुआ था और माँ रुक्मणी भी ये जान गई थी। लेकिन माता ने इस पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपने आंसू तक किसी को नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि उन्हें अभी भी ये पता था कि वो एक रानी है और उससे भी बढ़कर वो एक माँ भी है। इसलिए उन्होंने इंतजार किया सही समय आने का। माता को पता था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये जिम्मेदारी दी है कि वो द्वारका को श्री कृष्ण के वापस लौट जाने की खबर दे दे। अर्जुन कुछ दिन बाद द्वारका आए और द्वारका को श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने की खबर दी। दोस्तों, श्री कृष्ण के जाने के ठीक 7 दिन बाद श्री रुक्मणी अपने सारे कर्तव्य निभाकर सती हो जाती हैं और अपने अनंत लक्ष्मी के रूप में वैकुंठ धाम में अपने हरि के पास वापस पहुंच जाती हैं। माता जाम्बवती भी उसी समय श्री रुक्मणी के साथ ही सती हो जाती हैं। वो भला अपने रुक्मणी को अकेला कैसे छोड़ दे, क्योंकि माता जाम्बवती श्री रुक्मणी की लाडली मानी जाती हैं। पर दोस्तों, माता रुक्मणी ने 7 दिन तक इंतजार क्यों किया? उसी दिन वो श्री कृष्ण के साथ वापस वैकुंठ धाम क्यों नहीं लौट गई? श्री कृष्ण के जाने और अर्जुन के द्वारका आने के बीच इन 7 दिनों में आखिर श्री रुक्मणी ने द्वारका में क्या किया? दोस्तों, ये 7 दिन सिर्फ 7 दिन नहीं है, ये हमारे 7 चक्र हैं और वैकुंठ के भी 7 द्वार हैं। ये 7 द्वार भी 7 चक्रों को ही दर्शाते हैं। 7 चक्र प्राप्त करके और इन पर नियंत्रण पाने के बाद ही कोई व्यक्ति वैकुंठ धाम में वापस जा सकता है। तो माता नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण के भक्त इस तरह से विनाशकारी व्यवहार करके कलयुग में ही रह जाएं, और इसलिए उन्होंने अपने दर्द को अंदर ही छुपाए रखा और एक मजबूत माँ की भूमिका निभाई। उन्होंने खुद को सबसे मजबूत बनाया ताकि उनके भक्तों को उन्हें देखकर ताकत मिल सके और श्री कृष्ण के वियोग में रोते बिलखते संपूर्ण ब्रह्मांड को एकमात्र सहारा माता का ही था। और इन 7 दिनों में माता ने इन सभी के आंसू पोंछे। इन 7 दिनों में माता ने ये सुनिश्चित किया कि सभी द्वारका वासियों को फिर से 7 चक्रों पर नियंत्रण प्राप्त हो। यादव वंश के लोग दिव्यता होने के बावजूद भी 7 चक्रों पर नियंत्रण खो चुके थे। इन 7 दिनों के भीतर माता रुक्मणी ने ये सुनिश्चित कर दिया कि सभी को उनकी दिव्यता वापस मिल जाए, और ऐसा हुआ भी। हर द्वारका वासी को माता रुक्मणी की ही वजह से उनकी दिव्यता वापस मिलती है और वो वापस वैकुंठ धाम में लौट जाते हैं। श्री रुक्मणी द्वारका के प्राण हैं, जो द्वारका श्री कृष्ण के चले जाने पर भी 7 दिन तक मजबूती से खड़ी रही, वो श्री रुक्मणी के जाते ही जलमग्न हो जाती है। और रही बात श्री रुक्मणी की, तो उनके दर्द की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी माता ने कृष्ण की अन्य पत्नियों को भी संभाला। संत बताते हैं कि अन्य पत्नियां श्री रुक्मणी में ही श्री कृष्ण के दर्शन किया करती थी। दोस्तों, श्री रुक्मणी की ये लीला हमें ये बताती है कि माता रुक्मणी अपने बच्चों को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि गहरे अवसाद से तंग आकर भी माता ने कभी भी अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं छोड़ा, और उन्होंने सबसे पहले सभी को हरि तक पहुँचाया और फिर वे स्वयं चली गई। यही हमारी माता है, और इसलिए एक कथा के अनुसार
पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के देह को अग्नि दी थी। उनका देह तो अग्नि के द्वारा नष्ट कर दिया गया, लेकिन उनका दिल वैसा का वैसा ही रहा। आग की लपटे तक उनके हृदय को कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि माता रुक्मणी स्वयं उनके हृदय में विराजित है और आज उनका ये दिल जगन्नाथपुरी धाम में स्थापित है। माँ रुक्मणी अब भी हमें मोक्ष दिलाने के लिए तैयार है। वह हमें हमारे स्वधाम वैकुंठ वापस ले जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हमें उसी तरह माता पर विश्वास है जिस प्रकार द्वारका के लोगों को था? यदि हाँ, तब श्री रुक्मणी हमारे सारे कष्टों को दूर कर देंगी और हमारा साथ किसी अंधकार में नहीं छोड़ेंगी। जो भी हो जाने दो, वह हमें वैकुंठ तक पहुँचने का मार्ग जरूर दिखाएंगी। वह हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों तक अवश्य पहुँचाएंगी। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishnamysoulkhushboo। अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।